स्टार्ट। मैं रविंद्र कुमार कुरुक्षेत्र से हूँ और पिछले 12 सालों से विदेश में बतौर शिक्षक पढ़ा रहा हूँ। लीबिया, सऊदी अरेबिया, ओमान और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में विजिटिंग स्कॉलर रहा हूँ। सब कुछ बड़ा अच्छा ठीक ठाक चल रहा था 2012 तक, जब तक मेरे बेटे को चोट नहीं लगी थी। ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से जो जैसा हो गया है हमारे साथ, इसको जो चोट लगी, बड़े आम से जैसे बच्चे खेलते हैं प्ले ग्राउंड में, ऊपर से स्लाइड से ये फिसला और इसका हाथ वहाँ फंसा, और वो ऊपर जो हड्डी होती है इसके जॉइंट से ऊपर, उसमें सीवियर ब्रा, उसमें बोन के अंदर वो ब्रेक हो गई दो पार्ट्स में। कुरुक्षेत्रा में होने के नाते हमें जो सबसे नज़दीक, जैसा हमने सुना था, आनंद ऑर्थोपेडिक्स है, वहाँ पर इसको एकदम से लाया गया। विदिन 30 मिनट्स हम इसको ले गए वहाँ पर। डॉक्टर ने इसकी कंडीशंस देखी, पहले तो वो मेरे ख्याल से 1 घंटा बाद आया कि, और फिर उसने देखा, इसका ऑपरेशन की देखा, इसको कहते हैं इसको हम प्लेट्स डालेंगे या कुछ वायरिंग करेंगे, और इसकी पल्स जो है वो मिसिंग है। हम ये पूरे 24 घंटे तक वॉच करते हैं, ऐसा उसने कहा। तो मॉर्निंग तक हम देखेंगे, अगर मॉर्निंग तक नहीं है तो इसे हम फर्दर रेफर करेंगे, वो हम बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। हमने कहा वेल गुड, अच्छा है। तो हमने बड़ी प्रेयर की कि किसी तरह इसकी पल्स आ जाए मॉर्निंग तक, लेकिन वो नहीं आई। और जैसा डॉक्टर ने कहा था एक दिन पहले कि भी नहीं होती तो आपको रेफर किया जाएगा, उसने रेफर किया। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ हाथ था, बाहर से कुछ नहीं पता लग रहा था। हाँ, पल्स नहीं थी, थोड़ा ठंडा सा हो रहा था इसका हाथ। तो इसने कहा कि एक डॉक्टर संजय सोनी है पानीपत में, प्लास्टिक सर्जन, आप उनका ओपिनियन लीजिए। और हमें 3 दिसंबर 2012 को हम मॉर्निंग के कोई 11-12 बजे उसके पास पहुंचे। उसने कुछ एक्सरे कलर्ड वगैरह करवाए और कुछ डॉपलर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है मेडिकल भाषा में, जो भी उनका नाम रहा होगा। जैसा हमें बताया गया कि इसकी ब्लड सप्लाई नीचे से बिल्कुल बंद है और प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी ताकि वो रिस्टोर हो सके। 3 दिसंबर की बात है ये, 7-8 घंटे सर्जरी चली और मॉर्निंग में कोई 3-4 बजे वो आया, कहते वो ब्लड सप्लाई ओके है। लेकिन जब ये वापस आया तो बड़ा इसका पेल फेस था, जैसे बिल्कुल सारा ब्लड निकाल लिया जाता इस तरह से इसका चेहरा, और बड़ा मन देखा। और इसके यहाँ पर भी पट्टी थी थाई पे, हमने कहा थाई पे तो कुछ नहीं हुआ था, थाई पे किस लिए डॉक्टर साहब? ये कहते यहाँ से हमने स्किन उठाई है इसको ग्राफ्ट करने के लिए। और फिर उस टाइम हमने देखा जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, इसकी पल्स भी आ रही है, मैंने हाथ से चेक किया तो पल्स इसकी थी। हम खुश हो गए क्योंकि यहाँ सब तो बंदा था, हमने देखा नहीं क्या था क्या नहीं। 3 के दिन के बाद कहते इसका एक और ऑपरेशन करना होगा। हमने कहा वो किस लिए? कहते जो ग्राफ्ट किया है उसको अच्छे से चेक करना होगा। हमने देखा जब मेरा बड़ा अगली उसने ग्राफ्टिंग की हुई थी, ऐसा लग रहा था कुछ पैच सा गंदा सा ऐसे लगा दिया उठा के, और उसका जो कलर था वो भी येलो येलो सा अजीब सा था। मुझे लगा इतना तो था नहीं ये ऐसे। कहते नहीं, ये ऐसे ही होता प्लास्टिक सर्जरी में। हमने कहा चलो जैसी नियति है, हमने मान के हमने इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की। देन ही रेफर्ड अस अगेन टू डॉक्टर आनंद, कहते अब ये इसमें केवल वो ड्रेसिंग्स होनी है और ये आप वहाँ करवा सकते हैं, और आप 15 दिन के बाद फिर आ जाना। 15 दिन तक तो इसमें से कुछ पानी सा और ड्रेसिंग हम ले जाते रहे बच्चे को वहाँ पर। तो पीछे इसी, ये दिसंबर की बात है, तो इसी तरह जनवरी आ गया। तो पीछे से यहाँ से एक जहाँ उसने प्ले वो डाली थी वायर्स डॉक्टर आनंद ने, वहाँ पर एक पस सी हो गया बड़ा सा इकट्ठा, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी तो आगे थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का, जो बात कह रहा हूँ आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो वो वहाँ पर इतना ज़्यादा फूल के हो गया वो, डॉक्टर का इमीडिएटली इसको ऑपरेट करना होगा, ये स्कूप सा ऐसे करके उसने निकाला वहाँ से, और वहाँ और गहरा जख्म सा हो गया। फिर वो कभी हम ले जाते कभी आते, हमने सोचा वही हील हो रहा है, प्लास्टिक सर्जरी हील हो रही है। इसी तरह 3-4 महीने हो गए, लेकिन वो जो पीछे साइनस था वो बंद नहीं हुआ, लगातार उसमें से पानी, कभी पस इस तरह से। देन माई फ्रेंड्स ऑल्सो टोल्ड मी कि वाई डोंट यू टेक सेकेंड ओपिनियन, किसी दूसरे डॉक्टर के पास आप क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम दूसरे डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया, तब भी वो जो साइनस बना हुआ था पीछे से, अभी आप देखेंगे, ध्यान रखा इधर से, तो वो वहाँ से लगातार पस आई जा रही थी। हम
काफी जगह गए। तो पस के साथ साथ ये देखो, ये यहाँ पर ये साइनस बना हुआ था अगर आप देख सकते हो, और ये उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। अब तो का हील है ये, ही इज 100% क्योर्ड। तो अब या इस जगह ये साइनस था, और यहाँ से वो लगातार बोन के कभी छोटे छोटे पीस आते, हम बड़े परेशान हुए। 2013 ऐसे ही साल चले गए, 2014 तक आते आते छोटे छोटे पीस आते, और हम जब तक पूरा इंडिया लगभग घूम चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, उसमें चाहे डॉक्टर अमर सिंह जैसे बड़े नाम हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बालाजी रिसर्च सेंटर, चाहे मुजफ्फरनगर डॉक्टर मुकेश जैन हो, सभी ने स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, ऑस्टियोमेलाइटिस। फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस वर्ड ऑस्टियोमेलाइटिस, जो इसको आम भाषा में बोल सकते हैं बोन इन्फेक्शन इसको हो गया था सीवियर। तब हम एलन यहाँ पे पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल में गए, उनके कोई रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड थे डिपार्टमेंट, डॉक्टर आर एन मित्तल। उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो कोई पट्टी या कुछ देखा, हल्का सा एक धागा सा आया, उनको ऐसा लगा कि इसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट है। 2-3 दिन के बाद, ये 13 की ही बात है, उन्होंने कोई 10 इंच लंबी पट्टी इसके हाथ से ऐसे निकाल दी, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान या डॉक्टर सोनी या डॉक्टर आनंद उसमें पट्टी भूल चुके थे। ये एक बड़ी मेडिकल नेग्लिजेंस हुई इसके यहाँ, इसके साथ, बच्चे के साथ। और फिर हम उनके पास गए, उन्होंने एडमिट भी नहीं किया इस बात को। बहरहाल फिर हम कोर्ट से केस भी जीते उनके अगेंस्ट, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस थे उनके खिलाफ। ये सब करते हुए एलोपैथी में बड़ा क्लियरली लिखा कि ऑस्टियोमेलाइटिस का कोई इलाज है नहीं है, ऐसे बोन इन्फेक्शन का, जैसा कि हमने पढ़ा भी, डॉक्टर्स भी कहते हैं भी क्या है इसका, डेब्रीमेंट होगा। वो एक प्रोसेस है कि जो हड्डी होती है उसको खुरच के निकाल दिया जाता है, फिर वो भरती है, फिर वो निकाल देते हैं, ये प्रोसेस चलता रहेगा, कोई परमानेंट क्योर इसका नहीं है। इसी बीच कई लोगों से बातचीत हुई, एक मेरे दोस्त हैं डॉक्टर कुलदीप, पंजाबी डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर वो कार्यरत हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि वो खुद बड़ी एक नाइलाज बीमारी से गुजर रहे थे एलोपैथी के हिसाब से, उसका नाम है कोई कोलाइटिस, अल्थराइटिस कोलाइटिस, आंतों की कोई बीमारी। अब मैं कोई मेडिको नहीं हूँ कि उनकी सबकी, हमें अब बीमारियों के नाम इस तरह से पता लग गए हैं जैसे, क्योंकि हमने इनसे लड़ाई लड़ी और जीती है। उन्होंने कहा मेरे डॉक्टर हैं फैमिली, और मैं भी उनसे ही ठीक हुआ, डॉक्टर विकास सिंगल जी, खरड़ में उनका क्लिनिक है और चंडीगढ़ में भी है, आप क्यों नहीं एक बार दिखाते, मैं उनको उनसे क्यों नहीं कंसल्ट करते होम्योपैथी से। मेरा जो विश्वास था होम्योपैथी को लेकर, जैसे आम लोगों का है कि मिट्टी गोलियां हैं केवल और क्या उसमें होगा, लेकिन मैं कहा चलो जहाँ इतने परेशान हो रहे हैं, इतने पैसे खर्च दिए हैं, होम्योपैथी भी देख लेते हैं करके, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी थी। तो वो आए, हम मेरे साथ आए, डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर विकास के पास, और सारा केस जब बताया, डॉक्टर साहब ने बड़ा पॉजिटिवली इस केस को टेकअप किया, और एज पर्सनली, क्योंकि बच्चा भी इतना क्यूट, और कि उसके साथ इतना ज़्यादा नाजायज हुआ है मेडिकल, उन्होंने नेग्लिजेंस की वजह से कितने सीवियर बीमारी इसको हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा विश्वास जताया इस बात पे कि ये ठीक होगा, 100% ठीक होगा, हमने पहले भी ऑस्टियोमेलाइटिस के कई केसेस को ठीक किया। एक रे ऑफ होप, आशा की किरण जिसको बोलते हैं, हमारे मन में हुई। तब मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये ठीक हो जाएगा बच्चा, क्योंकि जितने भी रिपोर्ट्स आए उसके अंदर बड़ा ही अलग अलग तरह की बोन की डिफॉर्मिटीज उसमें आई, एमआरआईज में, और अलग अलग डॉक्टर्स ने जब तस्दीक कर दी, इवन जो इमरजेंसी सेक्टर 32 में डॉक्टर पीएन गुप्ता हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि इनको ऑस्टियोमेलाइटिस है। तो हमारे काफ़ी मतलब बड़े दुखी होके हम आए थे, डॉक्टर साहब बड़े पॉजिटिव थे, और मेरी खुद की पर्सनैलिटी भी बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं 2-3 साल से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, जॉब छूट गई, मैं विदेश के मेरे जितने असाइनमेंट थे वो मैं इंडिया आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी मेरी सुकृत्य थी। तो जब मैं यहाँ आया, डॉक्टर साहब के साथ जुड़ा, डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से जब दवाई दी, उन्होंने बड़े क्लियरली कहा भी कुछ जो भी अंदर है वो निकल जाएगा, जो साइनस बना हुआ वहीं से निकलेगा, लेकिन एक बार निकल गया फिर कभी होगा नहीं इसको ज़िंदगी में। मैं बड़ा होपफुल हुआ, और जब फिर हमने होम्योपैथी में हमने देखा, मैंने खुद भी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, मेरे पीएच मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूँ लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में। जब मैंने होम्योपैथी पढ़ना शुरू किया और डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस किया, डॉक्टर साहब ने इतना ज्ञान इस विषय पर हमें दिया कि हमारा जो कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, वो बहुत बढ़ गया। और जब मैंने ऐसे ऐसे केसेस उसमें पढ़े कि ऐसे मतलब अनबिलीवेबल केसेस इसमें सॉल्व हुए हैं और ठीक हुए हैं, तो हमारा विश्वास और बढ़ता चले गया। देखते देखते विद इन 9 मंथ्स के अंदर सुकृत्य जितनी भी गंदगी थी, साइनस के जरिए एक दो बार बाहर निकली, आप बिल्कुल ठीक है।
2015 में हमने, 2015 तक वो क्योर हो गया था, 2016 तक मेडिसिन कोई मार्च फरवरी मार्च तक ली होगी, उसके बाद तो अब सुकृत्या बिल्कुल 100% ओके। इसका रिजल्ट स्कूल में भी इसकी मिस हुई, केवल इतना ही नहीं रहा होम्योपैथी का। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा था डॉक्टर विकास ने कि ये आपको ओवरऑल इसका एक फर्क, एक इम्पैक्ट इसके शरीर पर दिखाई देगा, और वो हुआ भी। बच्चा अब इतना ज़्यादा, मतलब एजुकेशन में भी इसने एक्सेल किया, जबकि 6 7 8 10 महीने स्कूल भी नहीं गया था, और इसका जो IQ लेवल है वो भी इम्प्रूव हुआ, और एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी इम्प्रूव हुआ। अब एक ये गेम भी खेलता है, डिस्ट्रिक्ट उसका चैम्पियन भी है शूटिंग में, और ओवरऑल हरियाणा में इसने 7th रैंक भी लिया इंटर स्कूल जो शूटिंग चैम्पियनशिप हुई है रिसेंटली। तो मतलब अब मैं इसका एक भविष्य जो है बड़ा सुनहरा देखता हूँ, और मैं खुद होम्योपैथी